आपका बैंक अकाउंट कोई भी बैंक का हो, लेकिन अगर आपका कोई चार्जेस कटा है ECS बाउंस चार्जेस के नाम पे या फिर ACH रिटर्न चार्जेस के नाम पे, तो हो सकता है आपको इसमें 295 कटा है जैसे कि SBI में कटता है, या फिर HDFC बैंक में जैसे 590 रुपीस का कटता है। तो अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग चार्जेस, और आपको लग रहा है कि गलत चार्जेस कटा है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप 3 दिन के अंदर जो है आपका चार्जेस जो कटा है, अगर गलत कटा है तो उसको आप जो है रिफंड करा सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रही हो नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलरली जो है क्रेडिट कार्ड बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो अगर ECS का रिटर्न चार्जेस अगर गलत कटा है तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर आपका पैसा जो है कटा हुआ पैसा रिफंड करा सकते हो। दोस्तों प्रोसेस बताने से पहले आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपका पैसा अगर गलत कटा है तो वो किस कंडीशन को माना जाएगा। सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि अगर आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस था, मतलब जिस दिन आपका ECS हिट होने वाला था उससे एक दिन पहले से आपने बैलेंस मेंटेन रखा है, और उसके बाद भी अगर आपके अकाउंट से ECS रिटर्न चार्जेस या फिर ECS बाउंस चार्जेस के नाम पे पैसा काटा गया है, वो जो है गलत डिडक्शन है, तो उस सिनेरियो में आपको रिफंड जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने जिस दिन ECS डेट है, मतलब जिस दिन आपका ऑटो डेबिट होता है उसी दिन अगर आपने पैसा डाला है, तो आपका अगर ECS बाउंस चार्जेस हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा। सो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको जो है रिफंड मिलेगा। अभी रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों प्रोसेस बहुत सारा है, आप चाहे कॉल कर सकते हो कस्टमर केयर में या फिर सिर्फ ईमेल भेज के बैठ सकते हो, लेकिन दोस्तों सबसे फास्ट जो तरीका है, सबसे जो एकदम 100% असरदार तरीका है, वो है दोस्तों ट्वीट। जी दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका बैंक का जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, और वहां पे सिंपली ट्वीट करना पड़ेगा। ट्वीट में क्या लगना है, सिंपली आप लिख सकते हो कि मेरा इतने रुपीस का चार्जेस कटा है, और जो कि मेरे अकाउंट से गलत तरीके से काटा गया। जैसे आप ये ट्वीट करेंगे, आपको जो ट्विटर हैंडल टीम है वो आपको रिप्लाई करेगा और आपको बोलेगा आपको DM करो, मतलब आपको मैसेज करो पर्सनल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर जैसे आप मैसेज करोगे तो आपको जो है कॉल करेगा, और फिर आप अपना इशू बता सकते हो। सो दोस्तों इस पे ध्यान रखिए, जब भी ट्वीट करेंगे आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्विटर में मत दीजिए, हो सकता है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर हो या फिर बैंक का स्नैपशॉट है, कोई भी मत दीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों ये भी करिए, जो भी कस्टमर केयर की ईमेल आईडी है वहां पे जो है आप एक ईमेल भी भेज के रखिए, और ईमेल में मेंशन करिएगा जो भी आपका पैसा काटा उसको स्नैपशॉट या फिर बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दीजिए, और आपका रजिस्टर नंबर अटैच करिए, करके जो है मेल करिए कि मेरा जो है चार्जेस कटा गया है ECS का, जो कि मेरा बैलेंस मेंटेन था, स्टिल जो है ECS रिटर्न चार्जेस कटा है। इसमें होगा क्या दोस्तों, देखिए इसमें हो सकता है आपके पास जो है रिप्लाई कभी कभार वो लोग नहीं भी करता है, तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, थोड़ा आप एक बार रिमाइंडर दे दीजिए, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए, 30 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यह 3 दिन के अंदर तो सॉल्व हो ही जाएगा, आई होप सो, अगर नहीं होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 30 दिन बाद RBI ने कहा है कोई भी बैंक अगर एक्शन नहीं लेता है या फिर आपको रेजोल्यूशन नहीं देता है तो आप उस बैंक के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने प्रोसेस जो है उसका प्रोसेस का वीडियो जो है ऑलरेडी मैं लिंक में दिया हुआ हूँ, नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो कि बैंक के खिलाफ जो है कंप्लेन कैसे डाल सकते हो, वो भी रिजर्व बैंक में। तो अगर वहां पे अगर डाल दिया अगर आपने कंप्लेन तो बैंक को झक मार के आपको जो है पैसा देना ही पड़ेगा। सो लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो मैंने प्रोसेस बताया कि ट्विटर ट्वीट करिए और आपको एक ईमेल भेजिए, वहां से आपको 90% काम हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन जरूर अपनाइएगा, जो कि RBI का पोर्टल में कंप्लेंट डालना है। सो दोस्तों ये था सबसे जो है इफेक्टिव तरीका जिससे कि या फिर ACH रिटर्न या बाउंस चार्जेस जो कटता है उसको रिफंड करने का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।